हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एयू बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन एयू बैंक में हमें क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एयू बैंक पे हमें 9.87% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 999.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है कल स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा मैं कहूंगा यहाँ पे वॉल्यूम जो हमें देखने मिल रहा है और कैंडल जो बनी है यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल जो है वो बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग जो है यहाँ पे हुई थी, मतलब गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हमें देखने मिली, बड़ी गैप के साथ यहाँ पे ओपनिंग जो है देखने मिली। जरूर यहाँ पे बाइंग भी आई लेकिन उसके बाद यहाँ पे सेलर्स जो थे वो धड़ाधड़ यहाँ पे सेलिंग करते गए और यहाँ पे नीचे स्टॉक जो हमारा चले गया। जैसे कि आप सभी को पता है आज के दिन बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो मैं कहूँगा एक तरह से मार्केट में जो क्रैश आया निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों के दोनों यहाँ पे बहुत ही बड़े 2% के ऊपर यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने मिले हैं आज के दिन। बाकी यहाँ पे ये यहाँ पे जो है डाउनसाइड क्यों आया है हमारे मार्केट में उस बारे में मैंने जो हमारा एक शॉर्ट बनाया है 1 मिनट का वीडियो है वो ज़रूर आप शॉर्ट्स जो है हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके देख ले ताकि यहाँ पे आपको जो समझ में आ जाए कि क्यों आज के दिन जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है यहाँ पे डाउनसाइड गए। अब बात रही यहाँ पे RSI की, RSI यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है, मतलब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 24 के आसपास जो आ चुका है यहाँ पे RSI हमारा, जो यहाँ पे जरूर जो एक अपसाइड मूवमेंट का इंडिकेशन जो हमें मिलता है। लेकिन याद रखे RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पे दूसरे कई फैक्टर्स होते हैं उससे भी जरूर जो हमें कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे ओपिनियन की आने वाले दिनों के लिए। करंटली ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है नेगेटिव हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक जो है नेगेटिव था यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर से जो ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा नेगेटिव हो चुका था और यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे डाउनसाइड बड़ा आ सकता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर को जो है हमें पता चला था कि ये डाउनसाइड आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 दिसंबर को इतना बड़ा जो है डाउनसाइड हमें देखने मिला इस स्टॉक में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें जो है कोई इशारा नहीं मिला था, ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे 20 EMA को क्रॉस करते हुए 50 EMA चले गया था, जो इशारा हमें डाउनसाइड का ऑलरेडी मिल चुका था। तो यहाँ पे करंटली हमारा जो ओपिनियन आता है आने वाले दिनों के लिए, करंटली हमारा जो है ओपिनियन अभी भी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव यहाँ पे जो है हमें पूरा का पूरा याद रखे, हमें जो है एक तो पहला तो चार्ट देखना चाहिए किस तरह से हमें जो है इंडिकेशन दे रहा है और दूसरी बात हमें मार्केट सेंटीमेंट, मतलब मार्केट हमें जो है क्या कह रहा है कि किस तरह से जो है हमारा स्टॉक जो है वो चलने वाला है, मतलब मार्केट जो किस तरह से चल रहा है। तो करंटली हमारा मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, इसकी वजह से हमें जो है उसी को जो है फॉलो करना चाहिए, कभी भी उसके उल्टे साइड में नहीं जाना चाहिए वरना हम जो हमेशा वहां पे लॉस करेंगे। तो करंटली हमारा ओपिनियन जो है वो अभी भी यहाँ पे स्टॉक में नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने आपका क्या ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करके बताएं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं कल स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने हमारा 1 आवर का चार्ट जो ओपन करके रखा है। तो करंटली यहाँ पे फिलहाल जो है मुझे जो है मार्किंग्स करनी पड़ेगी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेसिस जोन की। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहे तो जिस तरह से यहाँ पे मैं जो है मार्किंग्स कर रहा हूँ सेम टू सेम यहाँ पे आप जो है मार्किंग कर सकते क्योंकि ये सारी की सारी जो मार्किंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अपना यहाँ पे जो है टारगेट
और यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो मैं कहूँगा जरूर, अगर आप यहाँ पे जो है इसको फॉलो करना चाहे तो जरूर जो है फॉलो कर सकते हैं अपने चार्ट में मार्किंग करते हुए। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो अभी तक हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं देखा है तो मैं कहूँगा जरूर जो है हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न का जो यहाँ पे हमने जो है आप सभी के लिए जो है वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट भी जो है एक बनाया है, तो उससे आप जरूर देख ले क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए किस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब वहाँ पे जो है स्टॉक बुलिश जाएगा मतलब अपसाइड जाएगा, या फिर यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बनेगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है हमारा बेयरिश जाएगा मतलब डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का जो है इशारा हमें देखने मिलता है अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को जो है ठीक से रीड करना सीख ले। तो यहाँ पे हमने उसी के बारे में बताया, तो जरूर जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न को जो है आप जरूर देखें। बाकी आज ही के दिन जो है हमने हमारा पार्ट 7 जो है वो भी यहाँ पे जो है आप सभी के लिए जो है रिलीज किया है, तो जरूर जो है आप उसे देख ले। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं हम अब सीधा आज के क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर साइड में लेके आता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग की, 9999.50 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो बनता है वो है यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा 997.75 का। तो यहाँ पे 997.75 का डायरेक्ट सपोर्ट आता है, तो डायरेक्ट रेशियो यहाँ पे आता है 1009.90 का। तो याद रखे इस बीच में अगर स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको जो है कल के दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे टारगेट जो है वो लगाना है। बाकी यहाँ पे किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखने, किस तरह से यहाँ पे आपको टारगेट डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही है, तो मैं कहूँगा कोई भी आप हमारे स्टॉक का वीडियो देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मोस्टली आपको 8 या 9 मिनट के ऊपर मैं कहूँगा आप जो है वीडियो देख ले ताकि यहाँ पे एक बार आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया तो आप जो है कोई भी स्टॉक में उसका जो है यहाँ पे अप्लाई, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो जरूर जो आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन की, फिर मैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन बताता हूँ कल के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 997.70 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 971.60 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 1028.95 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस आता है 1063.40 का। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन जो आप सभी को बता दिए हैं, तो यहाँ पे इसी को कंसिडर में रखते हुए जो आप यहाँ पे कल के दिन अपना ट्रेड करे। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस में, यहाँ पे मैं कह दूँ आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे आपको कल के दिन थोड़ा सा जो है पॉजिटिव जो है देखने मिल सकता है। पॉजिटिव मतलब कल के दिन जरूर जो आप यहाँ पे जो है इंट्राडे में जरूर प्रॉफिट कर पाओगे, उतना यहाँ पे आपको जो है कल के दिन जो है आपको मौका मिल सकता है। हाई चांस है 1028.95 तक जो है आपको, या फिर मैं कहूँगा 1028 तक जो है आपको स्टॉक जो है आते हुए देखने मिलने वाला, 1009 से लेके 1028 के बीच में आपको स्टॉक जो है क्लोज होते देखने मिल सकता है। तो जरूर जो है कल के दिन इस बीच में जो है आप यहाँ पे जरूर जो है ध्यान दें, और कल के दिन अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल इसके ऊपर 1009 के ऊपर देखने मिले तो जरूर जो आप यहाँ पे एंट्री लेते 1028 का टारगेट, या फिर उससे थोड़ा नीचे जो आप लगा ले। बाकी यहाँ पे हमारा ओपिनियन जो है पॉजिटिव का है, आपका क्या ओपिनियन है कल इस स्टॉक में हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।